टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल, मनीष नरवाल 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में संगराज अधाना ने भी 50 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल। पैरालंपिक में बैडमिंटन में सुहास अलवाई और प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचे, गोल की बढ़ी, दोनों ने सिल्वर मेडल किया पक्का। देश में कोरोना संकट बरकरार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,618 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 330 लोगों की ली जान। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने पंजशीर के सारे एंट्री पॉइंट्स पर भी कब्जा किया, दावा किया बीती रात जमकर गोलीबारी कर मनाया जश्न, सामने आया वीडियो। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को किया खारिज, कहा जा रही है जंग, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए यहां मौजूद हूं। अस्पतालों में घायलों की बड़ी तादाद, अस्पताल के बाहर दिखी तीमारदारों की भीड़। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों गुटों से की शांति की अपील। हिंदुस्तान से दोस्ती चाहने वाले तालिबान का सामने आया असली चेहरा, जुबा पर चढ़ा पाकिस्तानी अलाप, कहा हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक। कश्मीर पर तालिबान की बदली जुबान पर बीजेपी आग बबूला, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले आग उठाकर देखा तो मिटा देंगे वजूद। सिर्फ तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे, इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। तालिबान ने चीन को बताया अपना सबसे खास पार्टनर, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जताई उम्मीद। फिर झलकी तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता, काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर दिखाई ताकत, एक प्रदर्शनकारी महिला को पीटा। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन, 24 घंटे के लिए पूरी तस्वीर को लेकर और बढ़ा सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर के हाथ होगी तालिबानी सरकार की कमान, प्रवक्ता के मुताबिक करीब करीब पूरी हो चुकी है माथापच्ची। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब भी सरकार में होंगे शामिल। शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबान सरकार में सौंपा जाएगा अहम पद, सूत्रों से मिली खबर। तालिबानी सत्ता के बाद अफगानिस्तान में खेले गए पहले क्रिकेट मैच का वीडियो सामने आया, कल काबुल में खेला गया मुकाबला। खरगोन में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे बोल, कहा तालिबानी सोच और लव जिहाद वालों को कूटेंगे। चाहे सिमी हो और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को रिझाने में जुटी बीजेपी, आज मथुरा में बड़ा सम्मेलन। वैसे क्या अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तंज, कहा मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर ले। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाकर दर्शन भी भगवान राम के कर लें, अच्छी बात रहेगी। देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना। यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 700 ट्रेनिंग कैंपों में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। फिरोजाबाद में बुखार का कहर जारी, अब तक 50 से ज्यादा मौत, 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में भर्ती है करीब 400 मरीज, बगल की दूसरी इमारत में 100 बेड लगाने की आई नौबत। बंगाल कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंच प्यारे पर विवादित बयान का किया प्रायश्चित, उत्तराखंड के खटीमा गुरुद्वारे में लगाया झाड़ू, साफ किए जूते चप्पल। उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं हाई कोर्ट में जजों के खाली पद, कोलोशियम की बैठक में 68 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेटर नोएडा के आयुर्विज्ञान संस्थान को एपेक्स सेंटर बनाने की घोषणा की।
बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव का दिखा पॉलिटिकल स्टंट, अपनी गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर बैठे तेजस्वी। एंजेलिया केस में एनआईए ने दाखिल की 10,000 पन्नों की चार्जशीट, सचिन वाजे समेत 10 लोग हैं आरोपी। सवाईमाधोपुर में आज पंचायत चुनाव की मतगणना, भारी पुलिस बल की तैनाती, 145 सीटों के आएंगे नतीजे। जयपुर के हाई प्रोफाइल राजेंद्र चावला हत्याकांड में खुलासा, फुटओवर ब्रिज का डिजाइन नहीं बदलने पर एक बड़ी कंपनी के निर्देशकों ने कराई थी नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या। वैशाली नगर में हुई नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी E5 का निदेशक रणदीप श्योरन गिरफ्तार, 15 लाख की सुपारी देने का आरोप। नेशनल हाईवे 8 पर 35 करोड़ में 14 फुट ओवर ब्रिज का होना था निर्माण, देरी से निर्माण, लागत बढ़ाने पर कंपनी चाहती थी डिजाइन में तब्दीली, 3 करोड़ की पेनल्टी लगाने पर कार्रवाई कराई हत्या। जमशेदपुर में सदर अस्पताल में बच्चों की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। गाजियाबाद में चाकुओं से गोदकर युवक की सरेआम हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई पर ही पुलिस को हत्या करने का शक। बाइक लूटने वाले बदमाशों से नोएडा पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार। सीतामढ़ी में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ाई पुलिस। गाजियाबाद में साइको हमलावर से खौफ, घर में घुसकर महिलाओं पर किया चाकू से हमला, तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रोडवेज बस और कार के आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, मासूम समेत 8 घायल। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, दरभंगा में बाइक से शराब बरामद, नशे की हाल में युवक गिरफ्तार। पानीपत में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों को बांधकर पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद के अस्पताल में नए बीमार बच्चों के लिए जगह नहीं, एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का हो रहा इलाज।